हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का। और आज इसकी डेट है 15 फरवरी 2024। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम था और मैक्सिमम मार्क्स आए हैं इसके 80। इसकी मार्किंग स्कीम की वीडियो भी मैं जैसी मुझे मिलती है मैं अपलोड कर दूंगी। और इसमें हम जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम देख लेंगे, ताकि जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के पास अगर एग्ज़ाम आता है पेपर, तो वो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो बेटे, खंड क ये हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए है, जिसमें आपको एच निकालना है, एल और आर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 की वैल्यू निकालनी है, -3 हो जाएगी, 7 की पावर -3। 5th में वैल्यू बतानी है कि ए 0 या बी 0, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए दोनों चीज़ें। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में सी बी आपको बताना है क्या रिलेशन होगा इनका। सेमी पेरीमीटर निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। 8th क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू बतानी है एंगल ए की। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बेटे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर दे रखी है 12, 13 और 14 है विद ऑप्शंस, 15, 16 और 17 इसमें 4 दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा दंडालेख है। फिर ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद अभिकथन और जो है अभिकथन पे और आधारित जो प्रश्न उत्तर है, तर्क और अभिकथन, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे ही खंड ख में 21 में ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना है, 32 करना है, 33 में आयत चित्र बनाना है, 34 में दो ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है। फिर उसके बाद 19 और 20 असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में फैक्टराइज करना है, 21 में दो ऑप्शन हैं, दोनों में से एक करना है, 22 फिर 23 में हिस्टोग्राम बनाना है, 24 में दो हैं, दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, फिर खंड ग शुरू हो जाता है 26 का। 27 में ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में भी ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक, थ्योरम दे रखी है इसमें, प्रमेय दे रखी है। 29 है और 30 में आपको जो है बारंबारता बहुभुज बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 31 हो गया ये। ऐसे इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 25, फिर सेक्शन सी 26, 27 में ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 28 दोनों में से कोई एक करना है, 29, 30 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, 31 दिया हुआ है। फिर खंड घ शुरू हो जाता है, 32 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है, 33 में ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक करने हैं, 34 में दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों को सॉल्व करना है, 35 में ऑप्शंस हैं, थ्योरम दे रखी है। और ये सेक्शन डी आ गया, इसमें भी 32 इंग्लिश मीडियम का, 33 में ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक करना है, 34, 35 में दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद आते हैं हम 36 में, दोनों में से कोई एक नहीं, ये थर्ड पार्ट में ऑप्शन है, अदरवाइज़ ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये करना ही करना है। 37 में भी जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ये भी करना ही है हमें। और सेक्शन ई में आ जाते हैं हम इंग्लिश मीडियम में, 36 में थर्ड पार्ट में ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है, 37 है। उसके बाद 37 के प्रश्न, ये प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट में ऑप्शन है, 38 दे रखा है ग्राफ, इसके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। और ऐसे ही इसका इंग्लिश मीडियम में है, 37 के क्वेश्चन हैं, थर्ड में ऑप्शन है एंड 38 के ग्राफ दे रखा है और इसमें थर्ड पार्ट में ऑप्शंस हैं। तो बेटे ये था हमारा क्लास नाइन्थ का मैथ्स का आज का एग्ज़ाम। जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको एक एक करके देखिए, इसको सॉल्व कीजिए
और इसकी मार्किंग स्कीम की मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।